हाँ भाई इधर देखो, अभी आपने ब्लॉक माउंटेन्स पढ़ लिया, माउंटेन्स पढ़ा हमने सबसे पहले लैंडफॉर्म्स में, ठीक है ना। माउंटेन्स में ब्लॉक माउंटेन्स की बात हो गई, ये बात करेंगे बचे हुए आपके फोल्ड माउंटेन्स की और वॉल्केनिक माउंटेन्स की। तो वॉल्केनिक माउंटेन्स का जो फॉर्मेशन है वो कैसे होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल, यानी वॉल्केनो से निकलने वाला जो मटेरियल होता है, यानी जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, जब ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनो फटता है, तो उसमें से जो भी मैटर निकलता है वो मैग्मा होता है, लावा होता है, ठीक है, अदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस होती हैं, उन सब के एक्यूमुलेशन से, एक्यूमुलेशन मतलब एक ही जगह पर लगातार इकट्ठे होते जाने से जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। क्या कहलाते हैं? वॉल्केनिक माउंटेन्स। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है। ये सबसे कम देखने को मिलते हैं पूरी दुनिया में, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं वो सबसे कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वॉल्केनो भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। रेयरली इंडिया में एक ही वॉल्केनो है जो कि डेड वॉल्केनो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पर। क्या नाम है उसका? ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है उस पर एक वॉल्केनो है, इंडिया का इकलौता वॉल्केनो है वो, ठीक है ना। तो ये जो बात कर रहे हैं हम वॉल्केनिक माउंटेन्स की, तो वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक्यूमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल की वजह से होता है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उससे जो मटेरियल निकलता है जब वो लगातार एक ही जगह पे इकट्ठा होता रहता है, और ये प्रोसेस कोई 2, 4, 6 साल की नहीं होती, कई हजारों लाखों सालों की प्रोसेस होती है, तब जाकर जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। क्लियर है। इसके दो एग्जाम्पल मिलते हैं, एक माउंट किलिमंजारो अफ्रीका में और एक माउंट फुजियामा जापान में, जो वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं। इतनी सी बात थी वॉल्केनिक माउंटेन्स की। अब जी हाँ, इनमें से काफी कुछ ऐसे हैं जो एक्टिव वॉल्केनो है, मतलब ये तो मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं। वॉल्केनो तो बहुत हैं, एक्टिव भी हैं, जैसे हवाई आइलैंड है एक साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, वो हवाई आइलैंड पूरा वॉल्केनो से ही भरा हुआ है, मतलब पूरे आइलैंड में वॉल्केनो ही वॉल्केनो है, ठीक है ना। वहां लोग विजिट करते हैं, टूरिज्म होता है वॉल्केनो को देखने के लिए। चलिए आगे देखो, फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स क्या है? फॉर्म्ड ड्यू टू द कंप्रेसिव फोर्सेस लाइक अर्थक्वेक। अब सबसे पहले समझ लो अर्थक्वेक कैसे आता है, वैसे तो अलग से टॉपिक में हम पढ़ेंगे, लेकिन जो हमारी अर्थ की सरफेस थी हमने पढ़ा, अभी अभी हमने टॉपिक पढ़ा था लास्ट, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ अर्थ, उसमें हमने क्रस्ट की बात करी थी। तो वो जो अर्थ की सरफेस है, जो क्रस्ट है, वो ऐसी तो है नहीं कि पूरे अर्थ में एक ही है बस, बल्कि जो अर्थ की क्रस्ट है वो कई अलग अलग पार्ट्स में और अलग अलग साइजेस में बटी हुई है। तो वो जो अलग अलग पार्ट्स हैं अर्थ की क्रस्ट के, उनको हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या बोलते हैं? टेक्टोनिक प्लेट्स। टोटल 5 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट यानी यूरोप और एशिया, नॉर्थन एशिया कवर्ड है उसमें, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ठीक है, और लास्ट अफ्रीकन प्लेट। ये 5 टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है पूरी अर्थ की क्रस्ट। और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लगातार क्या है? मोशन में है, लगातार मोशन कर रही हैं। इनके लगातार मोशन करने की वजह से क्या होता है कि जब ये प्लेट्स आपस में कोलाइड करती हैं, यानी एक दूसरे से टकराती हैं, तब क्या आता है? अर्थक्वेक आता है। और ये जब कह सकते हैं कि बहुत लाइटर वर्जन में या बहुत कम समय के लिए कोलाइड करती हैं, तो अर्थक्वेक आता है। लेकिन जब ये प्रोसेस कई हजारों लाखों सालों तक चलता है कोलाइड करने का, लगातार मोशन में लगातार कोलाइड कर रही है, तो इस तरीके से कोलाइड करने से ये बेंड होकर फोल्ड होते हुए जो माउंटेन्स फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं फोल्ड माउंटेन, ठीक है ना। दोबारा समझ लो, ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, आपस में मोशन कर रही है, एक भी मोशन कर रही है तो भी, एक भी मोशन कर रही है या दोनों भी कर रही है, कोलाइड करी, कोलाइड करने के बाद लगातार जब वो कोलाइड कर रही है, लगातार उस पर फोर्स पड़ रहा है एक दूसरे का, तो ये क्या है? बेंड होते जाएंगे, जो अर्थी क्रस्ट है वो बेंड होती जाएगी और बेंड होकर ऊपर आती जाएगी, और इस तरीके से ऊपर आती जाएगी तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो माउंटेन्स क्या कहलाते हैं? फोल्ड माउंटेन्स। जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होगा उसे माउंटेन कहते हैं। और किस टाइप के माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स। क्लियर है। अब इस फोल्ड माउंटेन्स में भी 2 तरीके के माउंटेन्स होते हैं, एक यंग फोल्ड माउंटेन्स और दूसरा ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। अब ये यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं, उससे पहले तुम्हें समझना होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है जो क्या कहती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि ये जो अर्थ, जो आज हमें कॉन्टिनेंट्स अलग अलग दिखाई देते हैं कि साउथ अमेरिका अलग है,
नॉर्थ अमेरिका अलग है, एशिया अलग, अफ्रीका अलग, यूरोप अलग। पहले ऐसा नहीं था, पहले इस पूरी अर्थ पे ये पूरा जो लैंड सरफेस है वो एक ही था, ठीक है ना। ऐसे समझ लो ये जो हमारी अर्थ है उस पर एक ही लैंड सरफेस था, ऐसे यही था, बस एक ही था पूरा लैंड सरफेस। बाकी सराउंडिंग में क्या था, बाकी सराउंडिंग में क्या है, ओशियन, पूरा एक ही ओशियन था। अब तुम कह सकते हो जो अभी ओशियन है हमने डिवाइड कर दिए, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, पहले तो एक ही ओशियन था। जब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग टूटकर अलग हो गए, अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है कि ये जो पूरा एक ही लैंड मास था, ये लैंड मास कई अलग अलग टुकड़ों में टूट गया, यहाँ से अलग टूटा, यहाँ से अलग टूटा, ये नॉर्थ अमेरिका बन गया, ये साउथ अमेरिका बन गया, यहाँ से एक बड़ा हिस्सा टूटकर इधर खिसक गया, ठीक है, वो अफ्रीका कहलाया, इधर का हिस्सा अलग चला गया, वो एशिया कहलाया, ऊपर का बीच का हिस्सा यूरोप कहलाया। तो इस तरीके से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये कहती है कि जो अर्थ की सरफेस आज हमें दिखती है अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइडेड, वो पहले एक ही लैंड मास था और समय के साथ साथ उसमें से अलग अलग टुकड़े उसके अलग होकर अलग अलग पोजीशन में चले गए जो तुम्हें आज दिखते हैं, ठीक है ना। अब जो यंग फोल्ड माउंटेन्स है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद एग्जिस्टेंस में आए हैं, यानी कि जब ये लैंडमास अलग अलग हो गए, सारे कॉन्टिनेंट्स अलग अलग हो गए, इस पूरे एक लैंडमास से टूटकर अलग अलग हो गए, उसके बाद में यंग फोल्ड माउंटेन्स बने, ठीक है ना। ये तो यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात है। कौन से होते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिए थे हिमालयास, ये तो मैंने फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल लिए थे, हिमालयास, आल्प्स, एंडीज, रॉकीज और एटलस सभी फोल्ड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं, जिनमें से हिमालयास, एंडीज और आल्प्स क्या है, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स है। क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स। और इन यंग फोल्ड माउंटेन्स में भी हिमालयास जो है वो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है पूरी दुनिया का, यानी कि सबसे बाद में जो माउंटेन्स फॉर्म्ड हुए हैं वो कौन से हैं, हिमालयास, कौन से हैं, हिमालयास। और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से, वो जब फॉर्म्ड हुए जब ये पूरा लैंडमास एक ही था, यानी इसके टूटने के बाद नहीं हुए सारे अलग, क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट जब इसमें से टूटकर अलग अलग हो गए, जबकि जब ये पूरा एक ही था तभी फॉर्म्ड हो गए थे। जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले ही फॉर्म्ड हो गए थे। इसका एग्जाम्पल कौन से है, इंडिया में अरावली माउंटेन रेंज, जो अरावली माउंटेन्स है वो इसी का एग्जाम्पल है। अरावली माउंटेन्स केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, काफी बड़े एरिया में फैले हुए थे, लेकिन लगातार, क्योंकि तुम जानते हो कब फॉर्म्ड हुए थे, वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले, ठीक है ना। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का एरा जब ये अलग हुए उससे पहले ही, जब ये पूरा एक था, तो कितने पुराने हो गए, ठीक है। इस वजह से आज के समय में तो काफी जगहों से बिल्कुल इनका नामो निशानी गायब ही हो गए। अब जैसे गोवर्धन पर्वत है अपना, ये अरावली माउंटेन रेंज का ही हिस्सा है, अरावली माउंटेन ही है, जो गोवर्धन पर्वत है वो अरावली पर्वत ही है, अरावली की श्रृंखला का ही हिस्सा है। लेकिन उसके आसपास कोई और दिखता है क्या तुम्हें, नहीं दिखता, गायब हो गए, ठीक है ना। दिल्ली में भी इसके क्या कहते हैं, जैसे दिल्ली गुड़गांव आप जाते हो तो दिल्ली गुड़गांव में आपको देखने को मिलेंगे अरावली की जो माउंटेन रेंज है, अभी भी देखने को नहीं मिलेगी। हाइट उतनी नहीं रही है, डिक्लाइन, लगातार इरोजन हो रहा है, तो हाइट बहुत कम रह गई है, ठीक है ना। लेकिन अभी भी इनके जो रिमेन्स है वो देखने को मिलते हैं, मतलब तुम कहोगे कि दिल्ली और गुड़गांव में अभी भी तुम्हें पहाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, तो वो पहाड़ियां कौन सी पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, ठीक है ना। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तक फैले हुए, गुजरात, राजस्थान, इन सब में अरावली के पर्वत फैले हुए थे। अब राजस्थान में ही ज्यादा देखने को मिलते हैं, वहीं बचे रह गए, और आने वाले कुछ 100, 200, 500, 1000 सालों में वहां से भी गायब हो जाएंगे, क्योंकि लगातार क्या हो रहा है, इनका इरोजन हो रहा है। इरोजन किस वजह से हो रहा है, सराउंडिंग क्लाइमेट की वजह से, ठीक है ना, पॉल्यूशन की वजह से। तो क्लियर है इतनी चीज, फोल्ड माउंटेन्स क्या होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे मेजर माउंटेन, माउंटेन टॉपिक हमारा पूरा हो गया लैंडफॉर्म्स में। हमने ब्लॉक माउंटेन्स की बात करी, हमने वॉल्केनिक माउंटेन्स की बात करी, और हमने फोल्ड माउंटेन्स की बात करी। ब्लॉक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है जब अर्थ की सरफेस का कोई बड़ा एरिया वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाए टूटकर, ठीक है ना, टूटने के बाद वर्टिकली डिस्प्लेस हो जाए, तो जो माउंटेन्स फॉर्म्ड होते हैं वो ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक्युमुलेशन ऑफ वॉल्केनिक मटेरियल की वजह से होता है, ठीक है ना। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो फटता है, ज्वालामुखी फटता है, तो उससे निकलने वाले मटेरियल से लगातार जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है वो कहलाता है वॉल्केनिक माउंटेन्स। और फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है लगातार टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलाइड करने की वजह से,
जिससे वो लगातार कोलाइड होने की वजह से फोल्ड होती जाती हैं और ऊपर की तरफ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं, तो वो कहलाते हैं फोल्ड माउंटेन्स। उसमें भी दो तरीके के, यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद फॉर्म्ड हुए हैं, और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले फॉर्म्ड हुए हैं। मैंने तुम्हें बता दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी कि वो टाइम जब जो अर्थ है, जैसी आज तुम्हें दिखती है अर्थ की जो लैंड सरफेस है यानी जो कॉन्टिनेंट्स है, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, वो पहले पूरी एक ही थी। यानी कि जो अर्थ का लैंड सरफेस है वो क्या था, पहले पूरा एक ही था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट उसी को बोला गया कि जब अर्थ का जो पूरा लैंडमास जब एक था वो टूटकर कई अलग अलग टुकड़ों में अलग हो गया और अलग अलग पोजीशन पर चला गया, जैसा कि आज हमें दिखता है अलग अलग कॉन्टिनेंट के रूप में। ठीक है, अब हम दुनिया की जो मेजर माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है ना, उनको देखेंगे। तो वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहले है एंडीज, और यही यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड कौन सी है? एंडीज। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। कितनी लेंथ है? 7200 किलोमीटर, ठीक है ना, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। ठीक है, दूसरी हिमालयन, काराकोरम और हिंदू कुश। अब यहाँ पर सवाल तुम्हारा आना चाहिए कि काराकोरम और हिंदू कुश क्या हिमालय का हिस्सा है या नहीं है? तो दोनों ही चीजें हैं। जो काराकोरम माउंटेन रेंज है और हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, उन दोनों को ही आप हिमालय का हिस्सा मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ट्रांस, जब हम अलग से माउंटेन्स पढ़ेंगे और उसमें हिमालय पढ़ेंगे, ठीक है ना, हिमालय को हम अलग से पढ़ेंगे अभी, तो जो हिमालय को हम पढ़ेंगे उसमें हम ये बात करेंगे। अभी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो काराकोरम और हमारी ये हिंदू कुश माउंटेन रेंज है, इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। क्या बोला जाता है? ट्रांस हिमालय। और भी इंडिया में ऐसे कुछ हिस्से हैं माउंटेन के जो हिमालय का पार्ट ना होकर बल्कि ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ठीक है ना। अब ये ट्रांस हिमालय कौन से हैं? ट्रांस हिमालय वो हिमालय है जिनका फॉर्मेशन इन हिमालय के भी बाद में हुआ है, ठीक है ना। यानी जो हिमालयन माउंटेन रेंज जो हमें दिखती है उसके बाद में भी जिनका फॉर्मेशन हुआ है वो है ट्रांस हिमालयस। क्या है? ट्रांस हिमालयस। क्लियर है? तो काराकोरम और हिंदू कुश और हिमालयन की तीनों की एक साथ बात करते हैं, जो कि साउथ सेंट्रल एशिया में मौजूद है। इनकी लेंथ है 5000 किलोमीटर। कितनी है? 5000 किलोमीटर। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड हिमालयस, ठीक, रॉकीज। सॉरी, यहाँ पर एक चीज गलत हुई है। ये जो ट्रांस हिमालयस की मैंने तुम्हें बताई, वो शायद जो हिमालयस है उनसे पहले उनका फॉर्मेशन हुआ है। यानी जो हिमालयस हम बात करते हैं, हिमालयन माउंटेन रेंज से पहले जिन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ वो ट्रांस हिमालयस थे, ठीक है ना। बाद में नहीं हुआ है, हिमालयस से पहले हुआ है अलग से, ठीक है ना। लेकिन इनको हिमालयस के साथ इंक्लूड करके चला जाता है। जो ट्रांस हिमालयस नाम में ही आ रहा है, क्या आ रहा है? ट्रांस हिमालयस, ठीक है ना। फिर रॉकीज, ये नॉर्थ अमेरिका में 4800 किलोमीटर लेंथ है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में 3600 किलोमीटर रेंज है। एटलस नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में 2500 किलोमीटर लेंथ है। आल्प्स यूरोप में 1200 किलोमीटर रेंज है। और अलास्का यूएसए में 1130 किलोमीटर इनकी लेंथ है। तो ये दुनिया की मेजर माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादातर तो एंडीज और हिमालय से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। एंडीज का पूछ लिया जाएगा लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज या यंगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बाकी और बनेगा तो और भी क्वेश्चन अलग तरीके से बनते हैं। जैसे अभी हमने जो सब्जेक्टिव पढ़ा, ब्लॉक माउंटेन्स, वॉल्केनिक माउंटेन्स और फोल्ड माउंटेन्स, उनसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यंग फोल्ड माउंटेन्स कब फॉर्म्ड हुए, तो उसमें पूछ सकता है। ऑप्शन देखिए, प्री ड्रिफ्ट एरा, आफ्टर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, इस तरीके से चार एरा देगा। तो तुम्हें पता होनी चाहिए कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद में फॉर्म्ड हुए हैं, और जो ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है वो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से पहले ही फॉर्म्ड हो गए थे। क्लियर है इतनी बात? तो यहाँ पर आज हमने लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन टॉपिक में माउंटेन्स टॉपिक को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। कल हम इसमें बात करेंगे प्लेट्यूज की और प्लेन्स की, ठीक है। Oh, fuck.